इंदौर के नई रेत मंडी को लेकर ग्राम उमरिया दौरा करने पहुंचे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह आज अलग ही अंदाज में नजर आए। दरअसल पिछले कई दिनों से नई रेत मंडी को लेकर इंदौर प्रशासन जगह की तलाश कर रहा है। ग्राम उमरिया में जगह तलाशने के बाद आज इंदौर कलेक्टर दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेत व्यापारियों की हर समस्या का समाधान नायक के अनिल रूप के स्टाइल में किया। यह है इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह। वैसे तो मनीष सिंह हमेशा अपने अंदाज को लेकर पहचाने जाते हैं, लेकिन आज अलग ही अंदाज में नजर आए। दरअसल आज मनीष जी पहुंचे थे ग्राम उमरिया खेड़ी, जहां पर नई रेत मंडी बनना है। दौरा करने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने रेत व्यापारियों की समस्या सुनी तो तत्काल नायक के अनिल रूप के रूप में उसी तरह समस्याओं का समाधान भी किया। कलेक्टर के आदेश जारी किए और जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से अपने वाहनों में रेत भरेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक माइनिंग दरोगा के खिलाफ मिली शिकायत पर कलेक्टर ने खुद उस माइनिंग दरोगा को फोन लगाया। हालांकि उस अधिकारी का फोन उस वक्त बंद आया, जिसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस शिकायत पर जल्द से जल्द निर्णय लेकर इस समस्या को समाधान करेंगे। दो संदर्भ थे यहाँ पर, एक तो यहाँ पास में उमरिया पहाड़ी है जिसपे कि अवैध खनन का शिकायतें मिलती रहती हैं, वो भी देखना था। और दूसरा विषय ये था कि रेत मंडी, जो रेत ये इंदौर में बहुत समय से मांग चल रही है, तो रेत एसोसिएशन के मोहन शर्मा जी हैं, अजमेरा जी हैं मेरे साथ में, इनसे चर्चा हम लोगों को चल रही थी। और बहुत अच्छा ग्रुप है पूरा ये, और इनके द्वारा ये जगह ये पहले सहमति दी गई थी नगर निगम को, तो इसका प्रॉपर विकास हो जाए, यहाँ पर ट्रकों का आने जाने का रास्ता प्रॉपर बन जाए, तो उस पर जितने भी ट्रक अभी शहर में खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर, उससे ट्रैफिक के लिए भी कंजेशन होता है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक हजार्ड भी होता है, उससे शहर को निजात मिलेगी। और प्लस जो रेत में व्यापार करने वाले लोग हैं, बहुत छोटे व्यापारी हैं, कोई बड़े व्यापारी नहीं है, इनको भी एक शास्त्रीय तरह से सुविधा मिल सकेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी इंदौर पधारे थे, तो जो इंदौर का विकास मॉडल जो अनुसार में प्रस्तुत किया गया था सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके, तो उसमें रेत मंडी का विषय भी था कि रेत मंडी एक बनाई जाएगी, ताकि शहर के ट्रैफिक में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो भी ना हो, और रेत मंडी से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनको भी एक सुविधा प्राप्त हो सके यहाँ पर। उसी क्रम में आज मौका है, देखा है नगर निगम इसको डेवलप कर रहा है, इसको इस ज़मीन को हम लोग नगर निगम को अलॉट कर रहे हैं, और नगर निगम यहाँ यूज़र चार्जेस भी ले सकेगा इन लोगों से, इसमें सहमति दी है रेत एसोसिएशन ने, और धीरे धीरे रेत एसोसिएशन खुद भी इसमें कंट्रीब्यूशन करके नगर निगम की एजेंसी के माध्यम से जो भी अधोसंरचना बननी है धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। तो अभी एक ऐसी स्थिति में हम लोग ला देंगे तत्कालिक तौर पर कि यहाँ ट्रक खड़े हो सकें, और ग्रेजुअली हर छः महीने साल में कुछ डेवलपमेंट होता जाएगा, तीन चार साल में अच्छे रूप में डेवलप हो जाएगी पूरी, एक रोल मॉडल की तरह हम लोग बनाना चाहते हैं किस प्रकार का ये बने, कि यहाँ जो ट्रक के ड्राइवर रहते हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी रहे, उनके खाना खाने की व्यवस्था भी रहे, उनके नहाने की, शौच की, टॉयलेट्स वगैरह सब रहें, और उनको सुविधा रहे कि अगर ट्रक खड़ा करते हैं तो उनके रुकने के लिए सुविधा पूरी रहे, इसमें लाइट की व्यवस्था रहे, यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था रहे, इस प्रकार से इसको विकसित करने की योजना है यहाँ पर। और इसमें इस पर डेफिनेटली इसमें जो फंड्स आएंगे वो रेत मंडी एसोसिएशन से ही धीरे धीरे लेकर के हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन करेंगे, या जन भागीदारी से कोई अगर कोई और लोग सहयोग करना चाहेंगे तो उसमें कराएंगे इसको। नगर निगम प्रारंभिक तौर पर केवल इसमें एक बेसिक लेवलिंग का काम जो कर लेगी, ताकि इसमें ट्रक्स और सब चीज़ें खड़ी हो जाएंगे, लाइट वाइट टेम्परेरी व्यवस्था कर देगी अभी, ताकि तत्कालिक तौर पर शुरू हो सके। इसके साथ साथ जुड़ा विषय ये भी था रेत मंडी व्यवसायियों को, जो यहाँ सब लोग अभी हैं, कि जो ट्रक्स आते हैं उसमें कई लोग वायलेशन करते हैं, जो हमने चर्चा की, जो मुझे समझ में आया है 95% से अधिक लोग ईमानदारी से धंधा करना चाहते हैं, कुछ 2-4% लोग जो इसमें बेईमानी का जिनकी सोच रहती है वो ज़्यादा ओवरलोडिंग करके ट्रक को लाते हैं, ऐसे केसेस बहुत कम हैं जिसमें कि बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ आती हैं। बिना रॉयल्टी की जो भी गाड़ी आएगी उसको रास्ता करेंगे, बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। जो ओवरलोडिंग 16 मीटर के अभी जो निर्णय हुआ है शासन स्तर पे, आप लोग मिले थे माइनिंग मिनिस्टर से, तो 16 क्यूबिक मीटर तक की इनकी चर्चा हुई है, 16 क्यूबिक मीटर में सभी सहमत हैं ये, और रॉयल्टी भी 16 क्यूबिक मीटर कट रही है, पर कई सारे ट्रक व्यवसायी 22 मीटर तक ला रहे हैं, तो उसमें माइनिंग को हमने बोला है कि उनके जो ट्रक का जो उन्होंने ओवरलोडिंग के लिए 22 मीटर कर लिया है उसको सबसे बात कर लें, और वो लोग उसको कम करके 16 मीटर पर ले आएँ। कुछ LP जो ट्रॉली होते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ट्रॉले में भी हम लोगों ने 12 मीटर से ऊपर वाला 12 मीटर या 16 मीटर जो लेंथ रहती है उसको हम लोग अभी जो लाइसेंसिंग जो रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारे यहाँ उसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं,
छोटे ट्रालों वालों को हमने बात की है यहाँ पर, बोला है कि आप ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, जितने की रॉयल्टी मिल रही है उतने ही लाएंगे। अगर पाया गया कि एलपी में ओवरलोडिंग हो रही है जो 6 मीटर या 10 मीटर की हैं कैटेगरी के सबसे ज़्यादा हैं, तो उनका भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, क्योंकि एलपी में लाने का ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अलग से ट्रक्स रहते हैं ये सब चीज़ लाने के लिए, उसी में लाना चाहिए इसको। फिर भी एलपी में चूँकि रजिस्ट्रेशन कर रखा है कई लोगों ने, उनका रोजगार चल रहा है, तो केवल 12 मीटर 16 मीटर के चुनिंदा 20-25 हैं, उनका हम लोग कैंसिलेशन कर रहे हैं, क्योंकि 12 मीटर 16 मीटर में बिना ओवरलोडिंग या बिना रॉयल्टी चोरी के कोई व्यवसाय कर ही नहीं सकता है उसमें, इसलिए गलत है उसकी परमिशन देना, उसको कैंसिल करेंगे उसको। सर क्या नाका भी हम लगाने जा रहे हैं उसको? जगनलाल भिंडे, हाँ, एक जगनलाल भिंडे नाम के एक धार के माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, उनके बारे में यहाँ के व्यवसायियों ने बड़ा खुल के शिकायत की है कि वे सपना संगीता रोड में रहते हैं और जब वो निकलते हैं तो इंदौर की सीमा में भी ट्रकों को पकड़ते हैं, गांव में उन्होंने अपने एजेंट बना रखे हैं, उनके माध्यम से ट्रकों को रुकवाते हैं और उसमें अपना निजी स्वार्थ पूर्ति करते हैं, इसी प्रकार से पीथमपुर में भी जाके परेशान करते हैं। इनका मैंने नाम नोट कर लिया है और मैं अभी, मैंने उनको फ़ोन लगाया था, कलेक्टर धार को भी फ़ोन लगाया था, बात नहीं हो पाई मेरी, मैं कलेक्टर धार से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे माइनिंग इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करें। मैंने यहाँ पर ADM साहब को, पुलिस अधिकारी को बोला है कि अगर ये इंदौर ज़िले की सीमा में इस तरह से करना पाए गए, इनको तत्काल इनको पुलिस थाने में बैठा है, हमको सूचना दें ताकि डिसिप्लिनरी एक्शन हम ले सकें। सर इसके अलावा जो हम अवैध खनन